नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। लहार विधानसभा विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के पूर्व सहकारिक मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की पदयात्रा का आज द्वितीय दिन 5 सितंबर शाम 7 बजे ग्राम परायच पर विश्राम किया गया। साथ ही आज सुबह 7 बजे सिंधु नदी पर आरती कर पदयात्रा फिर से शुरू की गई। पदयात्रा आज ग्राम अडोखर के पास पहुंची, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ पर्यावरण बचाओ पदयात्रा को सराहनीय बताया। साथ ही आज की यात्रा में शोक संवेदना व्यक्त भी की। विवेक तनखा के द्वारा कहा गया, नदी संरक्षण के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और नदी बचाओ उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए मांग भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गोविंद सिंह, हेमंत कटारे, देवा आशीष जरारिया, प्रदेश महासचिव खिजर मोहम्मद कुरैशी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। उसको हमने काफी आशीर्वाद पहली बार था से व्यक्ति करते थे जी जी। उसके पहले एक बार में हम जब मैं बोला मैं कहता हूँ तुम अपने अपने क्षेत्र का माता पिता का नाम रोशन करो। सर आपने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, इसके लिए आभारी हैं सर। हमारी ड्यूटी है सर, सर पकड़ ले भाई। मैंने बोला है, मैंने सोचा है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तो मैं ऑर्फनेज और निशक्त बच्चों के स्कूल में भी जहाँ हूँ। बिल्कुल अच्छा, काफ़ी अच्छा। हमारे सामूहिक परिवार, हम जॉइंट फैमिली है हमारी, तो सब लोग पहुँच गए हैं। चाचा जी हमारे एक हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। इसलिए ऐसी मैं सवेरे सबकी राय बनी कि आप तो इस मुद्दे में बड़ा मुद्दा है। परिवार, आप कहते थे कि परिवार हमारा समाज है, एक हम परिवार के व्यक्ति नहीं हैं, तो दो एक लोगों ने कहा आज जा रहे हो तो फिर ये आपकी बात गलत पड़ेगी। तो मैंने भी सोचा कि अब ऐसी परिस्थिति में हमें जनता के बीच रहना चाहिए, और इसलिए मैंने अपना मन भारी करके सवेरे सब साथियों ने श्रद्धांजलि दी। दो मिनट का मौन रखा। 11 तारीख की हमारी यात्रा समाप्त होने के बाद तत्काल हम पहुँचे। थैंक यू। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा था कि डॉक्टर साहब वापस नहीं गए। तो उसमें बड़ा कारण उत्खनन का भी है। एक कारण, जैसे एक कारण आप भिंड जिले की बात करें तो सिंध नदी और चंबल नदी में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन है। चलिए आप पिटिशनर बनिए, मैं आपका वकील बनूंगा और आप लड़के बता देंगे। नहीं देखिए, एक्चुअली में है क्या, भिंड जिले की और जो संभाग की जितनी भी नदियां हैं यहाँ पे, जो खदानें स्वीकृत शासन से, उन खदानों के क्षेत्र में रेत बचाई नहीं है, तो सीधे रेत या तो दूसरी जगह से निकल रहा है या नदी से अंदर निकल रहा है। मैं ये आश्वस्त आपको करता हूँ, डॉक्टर गोविंद सिंह जी को मैं पिटिशनर बनाऊंगा जी, ये सब उत्खनन को लेके, और मैं पैरवी करूंगा। या तो खदानी मतलब की जाए, खदानी खत्म की जाए, रेत बचाई नहीं वहाँ पे। हमको क्योंकि आपने अपनी सरकार में भी मुद्दा उठाया, डॉक्टर साहब ने भी उठाया, बिल्कुल क्षेत्र के लोगों को जागी है कि कहीं ना कहीं इस पे। अजय गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, कहाँ अजय, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, भोपाल में रहते हैं। मैं आपके सामने इनको वकील नियुक्त करता हूँ। अजय गुप्ता जी पिटिशन बनाएंगे 11 तारीख के बाद जब ये फ्री हो जाए जी, और पूरी पूरी सूझबूझ के साथ आप लोग जो मुद्दे बता रहे हैं उसमें हम लोग उस मुद्दों को रखेंगे, और पैरवी मैं करूँगा जिससे कि उसको हाईलाइट करके हम लोग बिल्कुल अंतिम छोर तक ले जाए। कांग्रेस संगठन की एक बात करें, 27 जगह पर प्रत्याशी घोषित होने हैं लेकिन हुए नहीं, आपका क्या मानना है? प्रत्याशी वो होना चाहिए जिताऊ हो वो, या फिर कोई खांटी कार्यकर्ता? देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, कोई भी पार्टी ये देखती है कि पहला तो होना चाहिए कि वो हमारा कार्यकर्ता हो और वो जीतने लायक, दोनों चीज़ें होती हैं। कोई भी पार्टी एक मापदंड से नहीं चलती है, और मैं आपको बता दूं इसी मापदंड से एक काम हो रहा है। आप लोग, हो सकता है आप लोगों को जानकारी ना हो, बट मुझे जानकारी है कि कमलनाथ जी और हाईकमान उसी मापदंड से लोगों को चयनित कर रहा है, और जिनको लड़वाना है धीरे धीरे उनके कान में बता भी रहे हैं, तैयारी करो।
लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि एकला मात्र कमलनाथ जी निर्णय लेंगे 27 सीटों। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कमलनाथ जी सबसे बात करते हैं, सबसे पूछते हैं। भिंड जिले में तो अलग टाइप का चुनाव है। ये जो चुनाव में अधिकतर सीट में बीजेपी कांग्रेस के कुछ बागी उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है, मैंने जो कांग्रेस छोड़ के गए, तो ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चुनाव है, ना कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी का खाली जो जो पार्टी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे कांग्रेस वर्सेस लोग अंदर से बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं, और उनमें से कोई इस बात को लेके तैयार नहीं है कि अगले 5-10 साल तक ये जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं ये यहाँ लीडरशिप करें और बीजेपी के लोग बाहर रहे। तो क्या चुनाव में कोई बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में आ सकते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं। बीजेपी में भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी का लोग कांग्रेस में आए? मैंने, मेरे को जानकारी नहीं इसके बारे में। क्या बीजेपी में भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी रहेगा? स्वाभाविक है। इसमें आप बताओ, ये राजनीतिक प्राणी है सब। जी जी। क्या ये अपनी डेथ विश इन्वाइट करेंगे? आप अगर होते उनकी जगह तो आप क्या करते, ये बताओ आप क्या करते? आप भी तो यही सोचते कि यार अगर ये आदमी इस्टेब्लिश हो गया तो अगले 5-10 साल तक तो मेरी कोई जगह नहीं है। तो अगर सोचो, अगर 16 जगह आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस से आए, और एक सवाल मैं आपसे, और 16 जगह जो लोग हारे हैं बीजेपी के और जो नंबर 2 पे थे, उनके दिल में क्या बीत रही होगी? आपको क्या लगता है 3 महीने बाद या चुनाव के बाद में क्या स्थिति रहेगी, क्या तस्वीर रहेगी? कांग्रेस प्रचंड बहुमत से ये चुनाव जीतेगी, क्योंकि जनता कांग्रेस को जिता रही है। कमलनाथ जी फिर सीएम होंगे? मैं तो चाहूंगा बने। अच्छा, आपका ये जो बयान आपने दिया है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, इसको अन्य मायनों में भी लिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं नाराज हैं अंदर ही अंदर पार्टी से, संगठन से? नहीं नहीं, स्पष्ट करें। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस मतलब एक तरफ से हम हैं, एक तरफ से हमारे बागी हैं जो बीजेपी की तरफ से खड़े हो रहे हैं। ये मतलब जी, अभी आपने बताया कि 144 नारा लगा दी, तो बीजेपी डर गई इस वजह से नारा लगा दी। ये तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप कमलनाथ जी जहाँ जाने लगते हैं वहाँ 144 नारा क्यों लगा देते हैं? सर, आपको नहीं लगता कि ग्वालियर में अभी जैसे कमलनाथ जी का दौरा है, यदि इस तरह के दौरे अगर वो 15 महीने करते तो ये आज नौबत ना आती? देखिए, ये बहुत, ये प्रश्न का जवाब देना बहुत डिफिकल्ट है आज की परिस्थिति। थैंक यू सर।